मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है रम झाझर में। हमारा पता है सुधरी घाट बाईपास रोड पड़ाव चौक मुंगेली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पावर सिटी कोरबा जिले की सड़कें इस समय पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। पाली के मुनगाडीह पुल के टूट जाने तथा छुरी की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से भारी वाहनों तथा यात्री बसों के आने जाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं शासन द्वारा सड़क तथा टूटे पुल से परिवर्तित मार्ग बनाने का कार्य किया जा रहा है। कोरबा जिले में कटघोरा से कोरबा तथा बिलासपुर से कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिससे आए दिन इन मार्गों पर जाम की स्थिति बन जाती है। अभी हाल ही में कुछ दिनों की बारिश से पाली स्थित मनगढ़ पर निर्मित पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिसके कारण भारी वाहनों एवं यात्री बसों को आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कटघोरा से कोरबा छुरी के पास सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से प्रतिदिन जाम की स्थिति बन जाती है। जब हमारी टीम ने कटघोरा अनुभागीय अधिकारी से इस संबंध में जानकारी लिया तो उन्होंने बताया कि छुरी की सड़कों में हो चुके बड़े गड्ढों में मटेरियल डालकर सड़कों को आने जाने के स्थिति में बनाया जा रहा है। जो मेन रोड में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उसकी सूचना लगातार मिल रही थी, तो वो दोनों रोड एनएच की है, वहाँ पे एनएच के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, तो वो लोग गड्ढों को, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको लेवलिंग करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए वो जेसीबी का प्रयोग कर रहे हैं और ग्रेडर का प्रयोग कर रहे हैं, और जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पे बोल्डर डाल रहे हैं, छोटे गड्ढों में गिट्टी वगैरह डाल करके ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वो लेवल में आ जाए ताकि लोगों के चलने फिरने को रोड बन सके। वहीं मुनगाडीह में टूट चुके पुल को पुनः निर्माण में समय लगने के चलते उस पुल के पास से परिवर्तित मार्ग बनाया जा रहा है, जिससे वहां से छोटे वाहन व पदयात्री आवागमन कर सकें तथा नए पुल के निर्माण कार्य चलने से जाम की स्थिति न उत्पन्न हो पाए। और मुनगाडीह पुल की जहाँ तक बात है, वो पुल जो टूट गया था, आधा टूटा था, उसको पूरी तरीके से अभी वो डिसमेंटल कर दिया गया है और उसको नए सिरे से बनाया जाएगा। लगभग इसमें 15 दिन लगने की संभावना है। इसके अलावा तब तक आम जनता को चलने फिरने में असुविधा ना हो, इसके लिए एक डायवर्सन बनाया जाएगा जिसमें दोपहिया वाहन और आम जनता उससे आ जा सकती है। और भी रोड पर हम लोग काम कर रहे हैं और संभवतः हम जल्दी ही किसी परिणाम की ओर पहुँचेंगे। कटघोरा से जयप्रकाश साहू के साथ शारदा पाल एवं शशिकांत डिक्सेना की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।